रवा मिल्क केक बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, हाफ कप घी लेंगे। घी मेल्ट होने पर 2 कप सूजी ले रही हूँ मैं। सूजी ये बारीक वाली है, अगर आपके पास नहीं है तो एक बार मिक्सी जार में चला लें, बारीक हो जाएगी, उसके बाद यूज कर सकते हैं। अब हमें सूजी को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, जब तक इसे अच्छी खुशबू आने लगे तब तक भूनना है, और इसके लिए 20 मिनट तक का समय लगेगा। फ्लेम को एकदम लो रखना है हमें, मीडियम में भी रखेंगे तो सूजी जल जाएगी, और हमें साथ ही इसे लगातार चलाते रहना है, किनारों और नीचे से भी कलछी की सहायता से सूजी को चलाते रहना है। 20 मिनट में अच्छी तरह से सूजी भुन जाएगी, उसके बाद में हमें इसमें 1.5 कप मिल्क पाउडर डालना है। मिल्क पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मिला लेने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में 1.5 कप गुड़ लेंगे, जितना गुड़ लिया है हमने उसका आधा पानी लेना है, और मीडियम फ्लेम में गुड़ को मेल्ट होने देंगे। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, फास्ट करेंगे तो गुड़ जल जाएगा। गुड़ पिघलने के बाद सूजी को कढ़ाई में डाल देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और फटाफट से मिला लेंगे। सूजी बहुत ही जल्दी ठीक होने लगेगी, गैस ऑफ कर देंगे और 2 मिनट तक के लिए चला लेंगे, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है, ऐसे ही छोड़ देंगे तो जल सकता है नीचे से। अब एक प्लेट में नीचे से घी लगा लेंगे और उसके ऊपर हमने जो बनाया सूजी की मिठाई उसको डालकर कलछी की सहायता से स्प्रेड कर लेंगे। ये बहुत गर्म है, अगर आपसे हो सके तो हाथ से ऐसे फैलाएं, वरना कलछी की सहायता से इस तरह से फैलाकर सेट कर लीजिए ऊपर से। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद आप जिस आकार में चाहे कट कर लीजिए इसे। मैं इसे मिल्क केक जिस आकार में होता है उस तरह से थोड़ा लंबा कट कर रही हूँ, आप अपने अनुसार जो शेप चाहे वो शेप में कट कर सकते हैं। घर में स्वीट बनाना बहुत ही सिंपल है, आप अपने अनुसार अच्छी तरह से स्वीट बना सकते हैं। बाहर से जो हम स्वीट लेते हैं वो स्वच्छ भी नहीं होती है, साथ में उसमें चीनी या फिर शक्करीन भी डालते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो आप घर पे ही स्वीट बनाइए, उसमें गुड़ का यूज कीजिए, शक्कर का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम कीजिए। हर फेस्टिवल में आप इसी तरह से घर पे मिठाइयाँ बना सकते हैं। और भी मिठाइयों की रेसिपी मैं लेकर आने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।